नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर चुनावी दंगल। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है डैमरोताल के बड़े गांव आली। दोस्तों यहां पर दो बार बनने वाले सरपंच के पास आज हम पहुंचे हैं, जिनका नाम शकरुल्ला खान है, जिनकी तैयारी तीसरी बार हैट्रिक की चल रही है। ऐसे में गाँव का हजूम जबरदस्त देखने को मिल रहा है, भारी जन समर्थन इन्हें मिल रहा है। आज इनका बहुत बड़ा काफला और एक रोड शो गांव में निकल रहा है। ऐसे में सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेवात आज तक आपका स्वागत है सर। आज क्या कहना चाहते हैं आप, एक रोड शो है और बहुत ज्यादा हुजूम देखने को मिल रहा है। हमें जनता को भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है जी। हमारे गांव में 5-6 जगह प्रोग्राम है जी, जी। जनता दिल से हमें चाह रही है जी। हमें गांव में काम किया है जी। और हमारे काम को जनता मान रही है। विकास का मुद्दा लेके जा रहे हैं जी, विकास का मुद्दा कुछ हमसे कमी हुई है, आगे इंशाल्लाह सुधार होगा और भरपूर काम करेंगे, बढ़ चढ़ के काम करेंगे। आज गाँव में हमने देखा है दर्जन भर से ज्यादा आपके फूल मालाओं की तैयारी चल रही है, आपका स्वागत होने वाला है जी। और बहुत ज्यादा भीड़ आपके निवास स्थान के आसपास लगी हुई है जी। इस जनता का किस तरीके से धन्यवाद करना चाहते हैं? जनता को बहुत बड़ा एहसान है जी, हमें भरपूर प्यार दे दी जनता और हमें इंशाल्लाह तीसरी बार मौका देगी जनता जी। और हमारी जीत होगी। क्या कारण समझे इसको कि जो गांव की जनता एक बार नहीं दो बार बल्कि तीसरी बार आपको इस गांव का सरपंच चुनने की तैयारी कर रही है? हमने गांव में बहुत विकास किया है जी और हमने सबको साथ लेके चले हैं जी। हमने जो गंदे आदमी उनको साथ मार दिया जी, हमने गरीब आदमी की मदद करी है, शादी में मकान में BPL बहुत काम हमने कराए हैं लोगों के, हमारे काम के ऊपर वोट मिले। इस बार क्या लगता है कि सर जनता के समर्थन कैसे मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा, इस बार हमारी 500-700 जीत हुई। जनता तो गाँव की कह रही है कि इस बार चौधरी शकरुल्ला साहब तीसरी बार जीतने वाले हैं, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह जीत होगी हमारी। देखिए दोस्तों, ये अभी और कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ जुड़े हैं इसी गांव से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादाजी क्या नाम आपका? डॉक्टर जाकिर नाम। डॉक्टर साहब, इनके लिए क्या आपके विचार हैं जो आज रोड शो है इनका जी? जी क्या कर सकते हैं? तो हमारी तरफ से तो हमारे कैंडिडेट हैं जी जी, क्लियर है, उसमें कोई ये नहीं है कि भाई कोई फर्जी है, कोई भी यह बात को बहन मत रखे जी कि भाई हमारे अंदर कोई फर्क है। अच्छा, नहीं, हार जीत ये तो होती रहे हैं इलेक्शन में, उम्मीद तो जीत की है जी। लेकिन कोई भी आदमी 100% ना कह सके कि भाई समर्थन पूरा है इनके लिए। हाँ बिल्कुल 100%। ऐसे है इंशाल्लाह, दो बार ये शकरुल्ला पहली बार बना था जब लोग बाग ये कह रहे थे कि क्या करेगा नया बालक है, इसने विकास इतना किया है, गरीबों का साथ दिया है और इंशाल्लाह अब की बार और पब्लिक ज़्यादा बढ़ी है और ज़्यादा विकास करेंगे बिरादरी का आदमी समाज। अभी मेरे साथ में रजाक जिला पार्षद जी भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दो दर्जन से अधिक गांव के एक नुमाइंदा हैं। पार्षद साहब क्या कहना चाहते हैं, आज आपका रोड शो है सरपंच साहब का और कैसा रिस्पांस गांव की जनता का, तीसरी बार तैयारी चल रही है? जनता का पूरा सहयोग शकरुल्ला सरपंच के साथ है जी और वो तीसरी बार गाँव के सरपंच बनने जा रहे हैं। इस बार भी जीत जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह जीतेंगे। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, मेरे साथ में अभी आली गांव से वर्तमान सरपंच शकरुल्ला साहब जुड़े थे, जिनकी तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी चल रही है और जनता का हुजूम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव भी पूरे तरीके से एक तरफा हो चुका है। आली गांव की जनता इनकी तरफ आकर्षित हो रही है, लगातार इनको जन समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर हूं ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। काल का बड़ा गांव आड़ी गांव है और इस आड़ी गांव में आज ये इतना बड़ा काफला जो निकल रहा है, ये काफला शकरुल्ला सरपंच के जन समर्थन में निकल रहा है, इनका आज रोड शो हो रहा है। अब तीसरी बार
जनता में बहुत जोश देखने को मिल रहा है। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए बहुत लंबा काफिला है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।